Hello students, this is Meenu, your English teacher from Happy Cambridge School. Let's continue our lesson 6, A Visit to the Zoo. इसमें हम पढ़ चुके थे कि जो ये राइटर है यानी कि जिसने ये लेसन लिखा है, अपनी कहानी बताई है, वो अपने कजिन के साथ जू में गया है और उसने क्या क्या देखा है. आपने देखा यहाँ पर वो 10 बजे वहाँ गए, उन्होंने टिकट ली, वो अंदर गए और पहले वो एनिमल सेक्शन, वाइल्ड एनिमल के सेक्शन में गए. उन्होंने वहाँ जिराफ देखा, ज़ीब्रा देखा और कैट फैमिली के जो एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स, वो देखे, यानी लॉयन, टाइगर और पैंथर, ठीक है, और लेपर्ड्स एंड चीताज हैव ब्लैक स्पॉटेड स्किन. द चीता हैज इंडिविजुअल स्पॉट्स व्हाइल द स्पॉट्स इन द लेपर्ड अपीयर इन क्लस्टर्स. चीता की बॉडी पर ब्लैक स्पॉट थे, ब्लैक कलर के धब्बे थे और चीता के जो बॉडी पर स्पॉट्स थे, धब्बे थे काले रंग के, वो लेपर्ड की तरह ही दिखते थे मगर चीता के शरीर पर जो थे वो थोड़ा दूर दूर सिंगल सिंगल थे और लेपर्ड की स्किन पे जो थे वो झुंड में थे, मतलब इकट्ठे ग्रुप में थे, एक साथ, जैसे 5-7 धब्बे एक साथ. दीज मेंबर्स ऑफ कैट फैमिली आर प्रोटेक्टेड एनिमल्स बिकॉज देयर नंबर इज डिक्रीजिंग रैपिडली. ये जो एनिमल्स हैं, कैट फैमिली के जो एनिमल्स हैं, ये प्रोटेक्टेड एनिमल्स हैं. प्रोटेक्टेड एनिमल मीन्स इनकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है. क्यों? क्योंकि इनका जो नंबर है, मतलब इनकी संख्या जो है, वो बहुत जल्दी जल्दी कम हो रही है. द लॉयन वाज अवर नेशनल एनिमल टिल 17th नवंबर 1972. जो लॉयन है हमारा राष्ट्रीय पशु है, कब से? 17 नवंबर 1972 से. सिंस देन द टाइगर हैज बीन चोजन अवर नेशनल एनिमल. और तब से ही टाइगर को, पहले लॉयन था 17 नवंबर और 1972 तक हमारा नेशनल एनिमल, उसके बाद हमारा जो नेशनल एनिमल है वो उसे चुना गया, टाइगर को चुना गया, ठीक है. देन वी सा सम एप्स, गोरिलास, चिंपैंजीज, गिबन्स एंड बेबून्स. गोरिलास आर वेरी स्ट्रांग एंड फिरोशियस. दे कैन नॉट बी ट्रेन्ड और कैप्ट एज पेट्स. Chimpanzees are intelligent apes resembling man more than the other apes. The young chimpanzees can be trained to do too many things, even to wear clothes and eat at the table. अब देखिए, हमने वहां पर देखे कुछ gorillas, chimpanzees, gibbons और ये जो थे बेबून्स, ये सारे बंदर की फैमिली से बिलोंग करते हैं. गोरिल्ला बहुत स्ट्रांग और डरावने होते हैं और इनको ट्रेंड नहीं किया जा सकता, ना ही इनको हम पालतू पशु की तरह रख सकते हैं. और जो चिंपैंजी होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो ऑरंगुटेन की तरह दिखते हैं और वो हम ज़्यादातर मनुष्य की तरह ही दिखते हैं, मोर देन द अदर एप्स. द जो यंग चिंपैंजी होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है, मतलब उन्हें सिखाया जा सकता है क्या कि कपड़े पहनना, टेबल पर बैठ के खाना. तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना चिंपैंजीज के, उनको हम सिखा सकते हैं. देन एप्स अनलाइक मंकीज डू नॉट हैव टेल, देयर आर्म्स आर लॉन्ग. दीज एप्स आर द एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमन रेस. एप्स जो होते हैं ना, जैसे वो बंदर की प्रजाति के ही होते हैं ऑरंगुटेन, वो जो होते हैं वो मंकीज की तरह तो दिखते हैं मगर उनकी टेल नहीं होती और उनकी बाजुएं लंबी होती हैं. और हमारे जो पूर्वज हैं, मतलब मनुष्य जाति का जिससे जन्म हुआ है, वो एप्स हैं, ये हमारे पूर्वज रहे हैं. द प्रिमिटिव मैन यूज टू वॉक ऑन फोर लेग्स बट ग्रेजुअली लर्न टू यूज टू आर्म्स एज arms and two used to as arms and two as legs.
पहले मनुष्य भी चार पैरों पर चलता था जैसे कि जानवर चला करते हैं, मगर धीरे धीरे उसने सीख लिया। दो जो चार पैर थे, चार पैर ही थे उस समय जब चारों पे चलता था, तो दो उसने आर्म्स बना ली, मतलब दो उसके हाथ बन गए और दो उसके पैर हो गए। वी ऑल्सो नो कंगारूस, इट हैज अ लिटर आउटर पाउच इन इट्स बेली, इट्स कब्स क्राउच विद इन दिस पाउच। हमने देखा कंगारू को भी उसके ऊपर, उसकी बॉडी के ऊपर, उसके पेट पर एक छोटा सा पाउच, थैला या थैली कह सकते हो, था जिसमें कि उसके कब्स मीन्स उसके बेबीज रहते थे, वो बैठते हैं ना, आपको पता होगा, आपने देखा होगा कंगारू के बॉडी पर एक पाउच होता है जिसमें अपने बेबीज को, छोटे छोटे बेबीज को वो रखता है। देन वी सॉ रैबिट्स, डियर्स, एलिफेंट्स एंड बियर्स, राइनो, और उसके बाद उसने देखा, हमने देखा खरगोश, हिरन, हाथी, भालू और गैंडे। नेक्स्ट वी सॉ मैनी काइंड ऑफ वाटर एनिमल्स, उसके बाद हमने बहुत सारे वाटर एनिमल्स देखे, फिश, फ्रॉग, टर्टल्स, क्रोकोडाइल, क्या क्या देखा, मछली, मेंढक, कछुए और क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। द एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल, पृथ्वी पर रहने वाला सबसे बड़ा जानवर कौन सा है, एलिफेंट, हाथी। बट द लार्जेस्ट एनिमल इन एयर, लैंड एंड वाटर इज व्हेल, मगर सब जो तीनों क्षेत्रों में यानी कि हवा में, पानी में और जमीन पे रहने वाला सबसे बड़ा जानवर जो है तीनों में से, वो है व्हेल मछली। आपने देखी होगी पिक्चर्स में, मूवीज में। इट इज बिग एज द साइज ऑफ 10 एलिफेंट्स, उसका साइज कितना बड़ा होता है, वो लगभग 10 हाथियों के साइज के बराबर होती है। So that's all for today. Read the lesson twice and learn the word meanings. Thank you.